नमस्कार दोस्तों, एडजेक्टिव के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के अंदर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ में। सबसे पहले आए कि कई सारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो सिंगल सिलेबल के होते हैं, और साथ में तो ऐसे जो सिंगल सिलेबल के वो जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में। तो देखिए, सिंपल सिंपल वर्ड हम लेते हैं, जैसे स्वीट है तो इसका हम करेंगे स्वीटर, यानी हमने क्या जोड़ दिया इसके पीछे, ई आर, किसमें, कंपेरेटिव डिग्री के अंदर। अब इसका हम सुपरलेटिव बनाते हैं, स्वीटेस्ट, तो सेम वर्ड के आगे हमने क्या जोड़ा, ESP। तो इसी प्रकार जो भी सिंगल सिलेबल के जो एडजेक्टिव्स होंगे उनको दोस्तों हमें कैसे कन्वर्ट करना है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के अंदर, सिंपली ER और EST जोड़कर हमें कन्वर्ट करना। बोल्ड है तो बोल्डर, बोल्डेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें। कंपेयर करना है तो ईआर लगाना है, और सुपरलेटिव दिखाना है तो ईएसटी लगाना है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ई ऑलरेडी आया हुआ होता है। जैसे हम यहाँ पर ई आर और ई एस टी लगा रहे हैं, लेकिन ई यहाँ पर ऑलरेडी अगर किसी का आया हुआ है तो हम सिंपली उसके आगे आर और एस टी लगा कर उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ब्रेव है तो ये हो जाएगा ब्रेवर, यानी सिर्फ हमने क्या जोड़ा, आर जोड़ा, क्योंकि ई यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ था। इसके बाद में ब्रेवेस्ट, सिंपल है, लार्ज तो लार्जर, ई आया हुआ ऑलरेडी, आर जोड़ दिया हमने, लार्जेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वाइज, तो वाइजर, वाइजर, फाइन का फाइनर और फाइनर। क्लियर है दोस्तों? तो जिसके पीछे ये ऑलरेडी आया हुआ है उसके पीछे सिंपल हम आर लगाकर कंपेरेटिव बनाएंगे, और सुपरलेटिव के अंदर ओनली एस टी लगाकर हम सुपरलेटिव बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि जो वर्ड्स वाई के साथ में एंड हो रहे हैं, ऐसे जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो वाई के साथ में एंड हो रहे हैं उनका हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे ये हैप्पी है तो इसको हम लिखेंगे IER। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चेंज किया, देखिए, अगर किसी भी एडजेक्टिव के पीछे वाई आ रहा है, लास्ट के अंदर वाई आ रहा है, तो वाई की जगह पर हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, इसके आई, और बाकी हम ER और EST एज इट इज जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वापस हैप्पी का, HAPPIEST। ये आई किसकी जगह ले रहा है, इस वाई की, और ER और EST एज यूजुअल हम जोड़ते रहेंगे। इजी का हम देख लेते हैं, इजी का हो जाएगा इजियर, वाई किससे रिप्लेस हो गया, आई से, वापस यहाँ पर हो जाएगा इजियर। तो हमने क्या देखा कि वाई जहाँ पर आया हुआ है, अगर किसी के लास्ट में एंड में किसी एडजेक्टिव के वाई आया हुआ है उसका हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, उस वाई के स्थान पर हमें आई रखना है और ER और EST ऐड कर देना है। वेल्दी का हो जाएगा वेल्दियर, वाई की जगह पर हमने आई रख दिया, और वेल्दियस्ट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए हमारा, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट वोवल से बनते हैं और जो सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ में खत्म हो जाते हैं। ऐसे जो सिंपल एडजेक्टिव्स होंगे उन एडजेक्टिव्स के साथ में हम क्या करेंगे, जो लास्ट में उसका कॉन्सोनेंट आया हुआ उसको आप डबल बार लिख देंगे और ER EST जोड़कर हम उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। कैसे, जैसे कि बिग है तो इसका हो जाएगा बिगर, लास्ट का जो हमारे पास में कॉन्सोनेंट आया हुआ है उसको हमने यहाँ पर डबल कर दिया है। कंपेरेटिव के अंदर भी करेंगे और सुपरलेटिव के अंदर भी करेंगे। ऐसा कब होगा, जब बिल्कुल शॉर्ट वोवल साउंड आ रहा है हमारे पास में, शॉर्ट वोवल आ रहा है और बिल्कुल एक सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ में वर्ड हमारा एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिगेस्ट,
यहाँ पर भी डबल बार लगाया हमने। अगला देखिए थिन का हो जाएगा, थिनर, डबल एन आ गया, और थिनेस्ट यहाँ पर भी डबल आ गया। सैड का सैडर, और सैडेस्ट। क्लियर है दोस्तों? तो कहा क्या करना है हमें, अगर कोई सिंगल सिलेबल वर्ड है और शॉर्ट वोवल के साथ में खत्म हो रहा है और साथ में उसके एंड में सिर्फ सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो उस सिंगल कॉन्सोनेंट को हमें डबल करते जाना है जब हम कंपेरेटिव और इसका सुपरलेटिव बनाएंगे, और डबल करने के बाद ईआर और ईएसटी हमें साथ में जोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, कई सारे ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो टू सिलेबल के साथ में बने होते हैं, या टू से सॉरी मोर देन टू सिलेबल्स के साथ में बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बी अ यू टी फुल, तो इसमें चार सिलेबल है, टू सिलेबल से ज़्यादा है। तो जब भी कभी किसी वर्ड्स में टू सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल्स ज़्यादा अगर आपको मिले, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसके आगे मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड करके उसको लिखेंगे। जैसे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर है दोस्तों? यानी टू सिलेबल से अगर ज्यादा किसी में है, किसी एडजेक्टिव में, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उसके आगे मोर और मोस्ट जोड़ के उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाना। डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। डेंजरस का हो जाएगा मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, कई सारे ऐसे इरेगुलर कंपैरिजन होता है, यानी जो मेन जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है वो कम्प्लीटली अलग होता है और उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव उससे थोड़ा या बहुत ज़्यादा या कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास है गुड, तो गुड का होगा बेटर और बेस्ट, जो इससे बिल्कुल अलग है। बैड का होगा वर्स और सुपरलेटिव होगा वर्स्ट, तो ये दोनों भी कंपेरेटिव इससे अलग वर्ड से। लिटिल का होगा लेस और लीस, ये भी दोनों कंप्लीटली अलग वर्ड से। फार का होगा फार्दर, फार्दर में देखिए दोस्तों हमने टी एच लगा दिया इसके पीछे, फार्देस्ट, तो ये भी एक अलग वर्ड हो गया। ओल्ड का, वैसे ओल्डर और ओल्डेस्ट भी सही है, अगर हम लिखें ओल्डर और ओल्डेस्ट तो भी सही है, लेकिन जनरली इसका यूज लिया जाता है एल्डर और एल्डेस्ट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं हमारा मैनी, तो मैनी का होगा मोर और मोस्ट। तो ये था दोस्तों हमारा एडजेक्टिव का कंपैरिजन। जब भी कभी हमें टू सिलेबल से ज्यादा मिलेगा तो हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा जो इरेगुलर कंपैरिजन है उसमें हम कम्प्लीटली न्यू वर्ड के साथ में हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों?